हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी दशहरा। आज दशहरा है और मेरे यहाँ दशहरा के दिन वो मतलब मेरे यहाँ क्या लगभग सभी लोगों के यहाँ हम लोग हिंदू रीति रिवाज में होता है कि दशहरा के दिन गाय के गोबर के छोटे छोटे से उपले बनाए जाते हैं, जिससे कि वो एकादशी जब पूजा होती है फिर उन उपलों को सुखा करके वो हम लोग विष्णु जी को उनकी सेंक देते हैं, ऐसा मम्मी ने बताया। तो मम्मी वैसे पूजा करती हैं लेकिन मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आज ये पूजा मैं कर लूँ। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मम्मी ने मुझे कैसे बताया है। ये गाय का गोबर है जिससे कि वो पूजा के लिए जो उपले हैं वो बनाए जाएंगे। इसमें अभी मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और फिर इसको इसमें मैश कर देती हूँ, थोड़ा मिक्स कर दूँ क्योंकि ये थोड़ा सा सूखा सूखा सा लग रहा है। तो मैश करके मैं अभी बताती हूँ कि किस तरीके से बनेगा। वैसे मैं ग्लव्स पहन सकती थी बट मैं ये पूजा के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं अपने हाथों से इसको ऐसे डायरेक्ट करूँगी। अभी के बाद में वॉश कर लूँगी अच्छे से, पहन करके या साबुन अच्छा से लगा के। वैसे जिसको अगर बदबू भी आती है ना थोड़ा सा तो ब्लैक पेन से भी आपका सबके, लेकिन पूजा के लिए कर रहे हैं ना इसलिए। इसको मम्मी ने बताया है कि ये ऐसे ऐसे करके, ये थोड़ा बाइंड नहीं हो रहा ऐसे, और ऐसे 10 बनाने हैं, पूरे पूरे 10 बनाने हैं। दशहरा का हो रहा है ना इसलिए 10 बनाएंगे हम लोग। बहुत लोग बड़े बड़े भी बनाते हैं पर मैं छोटे छोटे ही बना रही हूँ। वैसे ये बना करके मतलब घर के आंगन में रखा जाता था, लेकिन अगर मैं नीचे रख दूँगी तो मेरे बच्चे उनको छेड़ेंगे, बिगाड़ वगैरह देंगे, पूजा का है तो इसलिए मैं इसको ऊपर बनाने के लिए लाई हूँ। और वैसे ये फर्श पे रख के पूजा की जाती है पर मैं फर्श पे कल नौमी 12 बजे के बाद से स्टार्ट हुई थी, तो दसवीं भी जो है दशहरा भी दूसरे दिन 12 बजे लगा, तो इस वजह से हम लोगों ने उसकी मॉर्निंग में पूजा नहीं की। ये मॉर्निंग में मंगा लिया गया था सारा सामान तो थोड़ा टाइट भी हो गया, अभी इसकी पूजा है शाम को कर रहे हैं क्योंकि वैसे मम्मी 12 बजे के बाद कर देती लेकिन मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो फिर उन्होंने बोला कि तुम शाम को कर देना इसको, इसलिए मैं शाम को इसकी पूजा कर रही हूँ। उन्होंने मुझे पूरा प्रोसेस बता दिया था, वैसे मैंने उनको करते देखा है फिर भी मैं पूछ करके आई थी तो ऐसे बताया उन्होंने। अब मैंने ये सारे बना लिए। अब मम्मी ने बताया कि ये पहले से 5 तो लाइन से लगाए हैं, फिर इसी के ऊपर ऐसे करके ये सारे सेट कर देना है। और इसके बाद में इसमें हम लोग टीका लगाएंगे। अच्छा चढ़ाया जाएगा फिर ये इस दशहरा के दिन पीले फूल चढ़ाए जाते हैं जो कि तरोई का होता है फूल। ऐसे पीले फूल बहुत सारे होते हैं लेकिन आज के दिन तरोई का फूल चढ़ता है इस पर, लेकिन जब नहीं मिलता है लोगों को तो वो फिर पीले फूल में वो जो पीला कनेर होता है उसको भी चढ़ा देते क्योंकि पीला फूल चढ़ाया जाता है, पर मान्यता यही है कि इसमें तरोई का फूल ही चढ़ाया जाए आज। इसके बाद में हम लोग इसमें दीपक धूप बत्ती और प्रसाद भोग लगाएंगे घी और गुड़ का, और बस फिर उनकी पूजा हो जाएगी पूरी।
यहाँ करना, इनको इनको दिखाओ, इनको दिखाओ ऐसे ऐसे। जय हो प्रभु की। बस 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 बस, उसको ऐसे करके समर्पित करेंगे यहाँ पर। चलो हाँ जोड़ो, जय भी करेंगे ना दादा। और फेस के बाद में हम लोग इनको भोग लगाएंगे और आचमन करके जल का, बस इतने ही प्रोसेस होती है पूजा की। इसके बाद ये पूरे 10 दिन एकादशी दिन तक ये हम सारे उपले सुखाएंगे और फिर उस दिन इनको जला करके और विष्णु जी को इससे सेंक दी जाएगी। हैप्पी दशहरा एवरीवन। क्या होता है ना कि दशहरा के दिन हमारे यहाँ जो है पान खाने की प्रथा है, मतलब लगभग सभी लोगों का ऐसा होता है। पहले लोग दशहरा के दिन जो है पान खाते थे, तो अभी मेरा देवर हम सब लोगों के लिए ये मीठा पान किया है और मैं भी इसको खाने जा रही हूँ, मुझसे वो दे चुकी हूँ। और इसमें हम लोगों ने सुपारी नहीं डलवाई है, वो टूटी फ्रूटी ये जो भी होता होगा इसका मटेरियल वो सब कुछ पड़ा है इसमें, तो बहुत ही टेस्टी है सच में। मैं एक बार और खा चुकी हूँ इसे, आज फिर से खा। हाँ दशहरा के अवसर पर मिट्टू ने अपने हाथ में मेहंदी लगाई है, बताना कमेंट्स में आप लोग ज़रूर कि उसने कैसे लगाई है। अभी वो सीख रही है, अपने ही हाथों में लगाते हैं फिलहाल, कभी कभी मेरे भी हाथ पैरों में लगा देती है। अभी अभी एक दिन लगाया था, अभी छूट गया, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अभी देखिए काफ़ी कुछ बहुत अच्छी लग रही है, अब लगाने लगी है। जिस जिसको लगवानी है वो कमेंट में बताए। अब मैं जा रही हूँ मम्मी पापा को दूध देने के लिए, जो लोग गाय का दूध पीते हैं हम लोगों के लिए आता है भैंस वाला दूध, वो भी गर्म करना है। तो अब हम लोगों का हो गया है, ये है राघव, फ्रेंड्स अब काफ़ी रात हो गई है, बच्चे भी थक गए हैं, अब दोनों ही बच्चे बस सोने को ही जा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि बच्चों के पापा नाना और हम लोगों ने क्या बच्चों के लिए थोड़ा बहुत सामान लिया था, वो आप लोगों को फिर दिखाऊंगी कि बच्चे अब सोना चाहते हैं। बस चलना चाहो बेटा, बाय कर लो मधु, बाय।